नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जुलाई 2023 सेशन के डिस्टेंस एजुकेशन के सभी क्लासेज के फॉर्म चले हुए हैं, यानी कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, सभी को आप लोगों को बता दें, हमने पहली भी अपडेट दी थी कि उनके आपका एक शेड्यूल बताया था कि कब से कब तक आप लोगों के डिस्टेंस एजुकेशन जुलाई 2023 सेशन के फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होंगे। और दोस्तों, अब उसी शेड्यूल को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बदलाव किए, उसके अंदर कुछ डेट को आगे बढ़ाया है। जैसे कुछ सब्जेक्ट की डेट आवर हो चुकी थी, यानी ख़त्म हो चुकी थी, उनकी डेट को एक्सटेंड किया गया, यानी आप लोगों को फिर से फॉर्म अप्लाई करने का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मौका दिया। उनके अंदर खास जो डेट एक्सटेंड किया वो है बीएड, एमसीए और एमबीए, जो डिस्टेंस एजुकेशन से आप लोग कर सकते थे, उनके शेड्यूल को चेंज किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। बाकी जो आप लोगों के जो मेन आप लोगों को डेट बता देते हैं, जो ओवरऑल जो सभी क्लासेज के, चाहे बीए, एमए, बीकॉम, एमएससी और इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उन सभी की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक कर दी गई है। जो 31 अगस्त जो लास्ट डेट थी उसको 30 सितंबर तक कर दिया गया, यानी कि एक महीने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ कोर्सेज की डेट को थोड़ा कम एक्सटेंड किया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग उनकी 30 सितंबर की डेट नहीं है, वो है बीएड, एमबीए और एमसीए। उनका जो शेड्यूल है, अगर बीएड की हम बात करें, बीएड डिस्टेंस एजुकेशन से जिसको सिर्फ टीचर्स जिन्होंने जेबीटी किया हुआ है और एट प्रेजेंट टीचिंग लाइन में अपना जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बीएड डिस्टेंस से होती है। और बीएड की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 सितंबर की है। 10 सितंबर तक आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई। इसको जो पहले जो डेट थी वो थी 16 अगस्त, 16 अगस्त से बढ़ाकर इस डेट को 10 सितंबर कर दिया गया है। 10 सितंबर तक अपने आप लोग जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में मेरिट लिस्ट का जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट के आधार पर आप लोगों के एडमिशन होगे, उसका शेड्यूल भी हम इसी के अंदर बताएंगे। लेकिन अभी 10 सितंबर तक आप लोगों को अपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। इसके अलावा बात करें एमबीए और एमसीए की, एमबीए और एमसीए की जो डेट है उसको 20 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 20 सितंबर तक आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका जारी किया है, इनकी जो मेरिट लिस्ट लगने का जो शेड्यूल है, उसके अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हम एस्टिमेट ये बता देते हैं कि 30 सितंबर को ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि अभी तक नोटिस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन 30 सितंबर अगर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके फॉर्म अप्लाई करने की, सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर को ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी। यानी कि बीएड 10 सितंबर को आप लोगों के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना है, और एमबीए और एमसीए के 20 सितंबर को आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, तो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 30 सितंबर को लगेगी। तो तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकें, चाहे वो बीए का है, एमए का है, एमसीए का है, बीएड का है। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज है, सभी की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, और लेट फीस से बचें और आगे डेट ख़त्म ना हो जाए, उससे अच्छा यही है कि अभी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। अगर रजिस्ट्रेशन करवाने में आप लोगों को कोई सीएससी सेंटर से करवाएगा, कोई कहीं से करवाएगा, अगर आप लोग अपना फॉर्म अप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, आप एडमिन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों का अपना फॉर्म, आप लोगों जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एडमिन के पास सेंड करने हैं, एडमिन आपके जो फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर इन फ्यूचर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो एडमिन ही उनका सॉल्यूशन करवाएगा, ये आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों ले लेके आए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।